नॉर्मली जब भी किसी कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होता है बट क्या आपने ऐसी कोई कंपनी देखी है दैट उस कंपनी की सेल्स वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से नीचे गिरी हो स्टिल उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हो एच एम एग्रो इंडस्ट्रीज ऐसी आईपीओ लेकर आने वाली है एंड इस कंपनी का आईपीओ शायद ये में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आईपीओ है क्यों जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में कहीं मत जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एच एम एग्रो इंडस्ट्रीज ये कंपनी 2008 से इस बिजनेस में है एंड आज की डेट में इस कंपनी के मोर देन 99 नाइन प्रोडक्ट्स हैं एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको इस कंपनी ने पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है प्रोटीन फ्रोजन फिश डॉग फूड बासमती राइस एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बेसिकली जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रोजन फूड्स की फॉर्म में होते हैं एंड इंडिया से जो टोटल वफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर इस कंपनी का 10% परसेंट के आसपास का मार्केट शेयर है दैट मीन्स जो इस कंपनी का मेजर बिजनेस है वो वफेलो मीट से ही आता है एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है साथ ही साथ 40 डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है एंड जहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं मोस्ट ऑफ देम वो इस्लामिक कंट्रीज हैं यूएई सऊदी अरेबिया ओमान इस तरह की काफी सारी जो रिच कंट्रीज हैं वहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है एंड जो इस कंपनी की टोटल सेल है उसका अप्रोक्सिमेटली नाइनटी परसेंट वो एक्सपोर्ट सेल की ही फॉर्म में आता है एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो तीन ब्रांड नेम के अंदर बेचे जाते हैं ब्लैक गोल्ड कामिल एंड एच एम एंड साथ ही साथ इस कंपनी की दस से ज्यादा फैसिलिटीज है जहां पर मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड काम करते हैं अगर हम मैन पावर वाइज देखते हैं तो ये कंपनी एक काफी बड़ी कंपनी है आई I मीन mean, एक ऐसी कंपनी जिसने पच्चीस हजार लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट इस कंपनी का मेजर बिजनेस ये बफेलो मीट से आता है एंड यही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल फैक्टर है एंड इसी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के आईपीओ को बाइकआउट करने का डिसाइड किया हुआ है सो so, अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके आईपीओ को ही काफी सारे इन्वेस्टर शुरू से ही बाइकआउट करने लग जाए तो वो उस कंपनी के लिए नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है फोर हंड्रेड एटी करोड़ रुपीज का इसमें से वन फिफ्टी करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है एंड जो इस आईपीओ के थ्रू 150 फिफ्टी करोड़ रुपीज़ इस कंपनी के पास आएंगे उनका ये कंपनी यूज़ करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज़ होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए 20 जून को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 23 जून को इस कंपनी का आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बी एस एंड एन में लिस्टिंग होगी 555 से पांच सौ का प्राइस बैंड है एंड 25 फाइव शेयर का लॉट साइज है इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी फोर्टीन की सो so, अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना इस कंपनी का एक आईपीओ स्ट्रक्चर देखा अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं तो वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं रेवेन्यू इस कंपनी की काफी फ्लक्चुएटिंग

ये इस कंपनी की टोटल डेट पोजीशन है एंड अगर हम इस कंपनी की डेट पोजीशन को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें एक कंसर्निंग नहीं भयानक पिक्चर नजर आती है बिकॉज इस कंपनी के ऊपर काफी बड़ा डेट है एंड ऐसे ही इस कंपनी का जो कैश रियलाइजेशन होता है कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है वो भी काफी कम है ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एविटा मार्जिन देखते हैं नेट मार्जिन है, तो वो काफी कम है I mean, अगर आपको किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करना है तो जो इस कंपनी के ये मार्जिन हैं, ये उन पैरामीटर्स पर कहीं भी फिट नहीं बैठते बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज काफी सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के आईपीओ को ऑलरेडी बाइकआउट कर रहे हैं ऐसे ही जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो एक अच्छी कंफर्टिंग पोजीशन तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करते इनफैक्ट एक कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं सो so, क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड प्लीज कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ हाँ जब भी आप कंसल्ट करने बैठोगे तो आप कुछ फैक्टर्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया

एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स को इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के मार्जिनस के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी अच्छी नज़र आती है बुरी नहीं थोड़ी सी अच्छी नज़र आती है दैट मीन्स ये पूरी इंडस्ट्री ही इसी तरह से चलती है बट मैं आपको फिर से बोलूँगा एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कंसर्निंग है फाइनेंशियल्स वो कहीं से भी आपको दूर दूर तक एक कंफर्टेबल पोजिशन नहीं दिखाते तो आपको नॉर्मली इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए एंड जो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है हो सकता है ये कंपनी अपनी लोन पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए वो अपना प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही हो बिकॉज अगर आपके ऊपर इतना बड़ा लोन है एंड दूसरे साइड आपका प्रॉफिट धीरे धीरे गिरता जा रहा है तो वहां पर जो आपके लैंडर्स होते हैं वो आपकी नाक में दम करना शुरू कर देते हैं हो सकता है वो टाइम से पहले अपने लोन को रिकॉल करने लग जाए तो ये कंपनी की मजबूरी भी हो सकती है दैट इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग सेल्स इस कंपनी का प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है अगेन इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज़ कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ पी हाँ अगर ये एक ऐसी कंपनी होती जो सिर्फ डॉग फूड के बिजनेस पर फोकस करती तो शायद मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले सोचता भी नहीं इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू